तो हेलो गाइस, तो ये एक नॉर्मल व्लॉग है और दिखाई नहीं दे रहा हो रहा पीछे। तो आज हम शूट करेंगे थोड़ी सी रील। आज हम आए थे अपने भाई के पास। ये देखो, भाई को देख लो ये देख लो, ये रील के लिए तैयार हो रहे हैं। और हम अभी सो के उठे थे, लाइट चली गई है यहाँ पे। सो के उठे थे इसलिए तैयार हो रहे हैं। हाँ हाँ, शो के तो आँखों में जैसे देख रहे हो आप, नींद सी आ रही है, तो उसी को भगाने के लिए, क्योंकि अभी हम रील शूट करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे फ्लाइट वगैरह जाती रहती हैं बहुत सारी दो दम मारो फेंको कभी मुरादनगर में तो ऐसी रील चल रही हैं। तो ये असली ही लड़का, ऐसी गाली वाली ब्लॉग में नहीं देनी चाहिए। हाँ, जो गाली लायक हैं उनको गाली देनी चाहिए। तो राम राम भाई सारे आनू जो ये नहीं बोलेगा, ये सारी गाली उसके लिए थी, बाकी बात आप समझ ही सकते हो। तो आज हम शूट करेंगे थोड़ी सी रील्स और आपको दिखाएंगे हम कैसे, मतलब जो रील्स हैं वो कैसे बना लेते हैं इतनी आसानी से। कुछ ही सेकंड्स में हमारी रील जो है वो तैयार हो जाती है। लोगों को बहुत बहुत टाइम लग जाता है रील बनाने में। तो ये ब्लॉग सिर्फ एज आ मतलब मजाक के तौर पर है कि हाँ जी कैसे क्या क्यों जो भी है। और मैं अभी कुछ दिन पहले देख रहा था, तो कुछ लोग जो ओवर एक्टिंग वाले हैं उनसे बोला भी नहीं जाता है राम राम भाई सारियाने। तो ये हमारी भाषा में इंक्लूड ही है। अभी मैं अपने एक दोस्त का व्लॉग देख रहा खुर्जा से ही है सर, दो दो तीन बार में मतलब इसका भी मजाक सा उड़ा रहा कि राम राम भाई सारियानू पता ना कैसा कैसा करके। तो मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगा इस वीडियो में वो रिप्लाई, आप कुछ कहना चाहोगे उनके बारे में? तो ये रिप्लाई मेरी तरफ से भी है, यदि आपको नहीं बोला जा रहा है तो आप उस नाम को मत बिगाड़ो, क्योंकि वो शायद नाम आपके पापा से भी ऊपर है जिसको आप बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो जल्दी से मैं भी अपना मुँह धो लेता हूँ और उसके बाद इधर बिल्कुल रॉ विलेज वाली कहानी है। देखो ये, और ऐसी जगह पे हम अभी शूट करेंगे अपनी रील इधर से। तो हम रेडी हैं अपनी रील बनाने के लिए, और अभी रील बनाकर अपनी इस बार इंस्टाग्राम पे डालेंगे। नो इसको हम अपलोड करेगा, कंफर्म ये अपलोड होगी। अब ऐसे ही करना है, ये जब ही मुरादनगर और वहाँ वायरल होंगे हम 50,000 रुपये, 1-2 लाख का चेक जेब में, हेलमेट डाल दूंगा मैं गाली वाला भी लोग, मतलब गाली तो इसमें से हटा दी जाएंगी, पर एरिया कुछ ऐसा पीछे से। तो डायरेक्ट चलते हैं लोकेशन पे और रील वगैरह शूट करते हैं और दिखाते हैं आपको आज क्या शूट किया हमने। नौकरी लग गई, 15,000 रुपये महीना घर पे। तो यहाँ हमने थोड़ी सी रील शूट की थी पीछे। अब बावरा हुआ मन, जग हो गया है रोशन, ये नहीं नहीं सुहागन, हो गई है तेरी जोगन, कोई प्रेम की पुजारन, मंदिर सजाए है। वो आपको इंस्टाग्राम पे दिखेंगे इस वाले पे। और अभी हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं उधर की तरफ, क्योंकि वहाँ पे लगी हुई है आग। तो ये ब्लॉग थोड़ा सा फैमिली कंटेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अश्लील बात है ये कर रहा है ये। मैं तो अपनी सारी म्यूट कर दूंगा टिंग मेरे पे तो पर्टिकुलर को भी देंगे ना भाई साहब, ये पकड़ना ही ही ही। अरे पानी पीने की कोशिश, पर पानी नहीं मिलेगा।
तो अभी आगे जा रहे हैं, आगे देखते हैं कोई नया सा सीन, बढ़िया सा तो नया सा सीन वहाँ पे देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं मिलता। वहाँ पे आग लगी हुई है, हो सकता है वहाँ पे कुछ अच्छा सा सीन आ जाए जो हमारी प्रोफाइल को दो चार बंदे दे दे। इजराइल का वो गिरा, इजराइल वाले वहाँ पे अटैक कर रहे हैं। ये देखो ऐसी चप्पल है, ये भाई साहब ने हमारी चप्पलों को हाईजैक कर लिया। भाई साहब अपनी चप्पल वहीं छोड़ आए थे, हमें रास्ते में मिली है कहीं से, ये देख लो। तो ये इनका यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट आया था जादू रोहित मेहरा का। तो फिलहाल मैं यहाँ पे धुआं जो है वो थोड़ा कम हो गया, तो जगह बहुत ही अच्छी है। अगर आप भी आना चाहते हो यहाँ पे तो 800 रुपये लूँगा एक घंटे के, सारी रील वील शूट कराऊँगा आपकी। कांटेक्ट कर सकते हो आप डायरेक्ट, लागा भाई का नंबर डाल रहा हूँ इसमें। तो कॉल आ गया किसी का, 800 रुपये है, 800 रुपये में आप आराम से रील शूट कर सकते हो। भाई यार ये कितने गिर रहे हैं, क्या मौसमी कहाँ है मौसमी लगे साइड पे सारे खादर डलवा दिया चूतिए ने एक ने कि भैया ये वाला खाद डाल दो बहुत बढ़िया हो जाएगा, सारे गिरने लग गए उस खाद से। तो अभी थोड़ी रील शूट कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं, पहला शूट करेंगे यहाँ पे। देखो ये जगह कैसी है और रील में कैसी दिखाई देगी वो आप देखोगे अभी। भाई यहाँ पे तगड़ी रील आएगी, बादल जा रही है, बादल जा रहे हैं इसके लिए। तो सारी रील शूट करने के बाद अब हम जा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। चलो वहाँ से उठाएंगे अपनी डुकाटी पानी वाले। गाइस देखो गन्ने बनने पड़े हैं यहाँ पे बहुत सारे, वारदात हुई है, कोई वारदात का क्षेत्र है। तो अभी जा रहे हैं एक दो रील और शूट करेंगे, क्योंकि अभी जो सूर्य देवता हैं अभी वो बहुत ऊपर हैं, तो उनको नीचे आ जाने देते हैं, तब आगे की रील शूट होंगे। अभी जो आपने देखी वो अभी तक की रील थी, आगे को दिखाते हैं आपको क्या शूट करेंगे। तो ये व्लॉग बस एक बवाल व्लॉग था खाली, और कुछ नहीं था, बहुत दिन से कुछ डाल नहीं रहे थे तो सोचा पोस्ट कर दें। तो ये देखो सीन यहाँ पर अल्टीमेट सीन है। ये गाइस हमारी जो रील शूट करते हैं सारी वो गाइस हैं, बंद करो इसे, सारी वाइट नहीं आ रही। तो यहाँ पे हमने शूट कर लिया ये वाली रील, और अब आपको दिखाएंगे कपड़े चेंज करके एक नई रील। पर फिर तो हमने वहाँ का ऐसा बनाया इस कपड़े में, तो ये देखो हैं यहाँ का हमने इस कपड़े में जो रील हम जोड़ेंगे, नहीं अलग अलग करना ना, अलग कपड़े में, हाँ अलग अलग नहीं, मेरे को ये वाला करना था यहाँ जो हम बैठे हुआ था उससे जोड़ना था। बेटे अलग अलग दो रील डाल देना ना, उसे उस पर डाल देना और उसे किसी और गाने पर डाल देना, बहुत कंटेंट अपने पास, कंटेंट की कमी नहीं है। तो अभी कपड़े चेंज करके आपसे मिलते हैं फटाक से गाइस। अभी कुछ ज़्यादा वायरल नहीं होगा, कौन सा ब्लॉग बहुत पहले बोला था कैरी मिनट, अबे अभी तो ब्लॉग डाला कुछ दिन पहले, कैरी में डाला गया। हाँ तो टी शर्ट तो कपड़े हो गए चेंज, और दिखाते हैं अब आपको एक और धमाकेदार रील। तो तीन चार रील हमने शूट किए आज, जो आपको हमारे फिर से बताऊँ इस वाले इंस्टाग्राम पे मिलेंगी। और ये देखो पीछे यहाँ पे सनसेट बहुत ही अल्टीमेट होता है, ये देखो शूट करके आपसे है। तो भाई की शर्ट प्रेस नहीं है इस समय, और तो भैया रील्स के साथ हमने फोटो भी खींच लिए थे कुछ, भाई की आईडी में मेंशन कर देता हूँ ये रही, भाई को भी फॉलो कर लेना, भाई भी अब हेयर ही हो गए,
राघव हेयर है ना, और हे राघव, हाँ हे राघव, मतलब हे से भी दो तीन जनों ने बना दिया भाई डी। हे राघव सारे एडिटिंग वगैरह के काम भाई करता है मेरे। अपन इनको वीडियो भेज देते हैं, पीछे का सीन देखो बस अल्टीमेट ही आ रहा है। तब हमारी एक लास्ट रील रह गई है, उसको भी पोस्ट कर लेते हैं, वो पोस्ट कर लेते हैं फिर इसको भी बना लेते हैं। भाई कितनी गाली बकेगा ये, कितने एडिट करूँगा इसे। तो हमारी ला, अरे तो छोड़ो ना भाई, अपने घर से जा रहा है अपने को, हाँ गाली पे गाली पे के जा रहा है, गालियों में अंधा हो गया। तो अभी हम जल्दी से रुद्रनाथ ट्रैक पर फिर से वापस जाने वाले हैं। ये धोखा देगा मुझे, पता मुझे फिर से अकेला जाना पड़ जाएगा। तो अभी एक लास्ट रील है, उसको भी शूट कर लेते हैं, उसके बाद आपको मिलेंगे हम अगले व्लॉग में। और अभी हमने दिखाया नहीं क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही फ़ोन है, इसीलिए हम रील कैसे शूट करते हैं। तो अभी यहाँ वाली रील जो मैंने पिछली बार डाली थी वो यहाँ की थी, इसको बना लेते हैं, उसके बाद ख़त्म, टाटा बाय बाय। एक दिन पे हक हो बस मेरा, तेरी यादों में रहूं, तेरे ख्वाबों में जगूं, मुझे ढूंढे जब कोई तेरी आंखों में। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म, थोड़ा बकचोदी वाला ब्लॉग था, थोड़ा ही मतलब ये मजाक वाला ब्लॉग था, तो इसको करते हैं यहीं पे ख़त्म। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ये वीडियो बस ऐसे ही थी मजे के लिए, बहुत देर से कुछ डाला नहीं था, तो कुछ पोस्ट करना था, टाइम भी नहीं मिलता है, तो इसलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से ब्लॉग में, दिखाएंगे आपको एडिटिंग वगैरह, एडिटिंग कैसे करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग इसी के ऊपर बनाऊंगा कि एडिटिंग कैसे करते हैं। अभी शाम हो चुकी है, सूरज देवता पूरे ढल चुके हैं और हम भी अब कुछ देर बाद ढल जाएंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो अपने रील्स वाले दोस्तों के साथ जो रील्स बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे एडिट कैसे करते हैं कैपकट से।